नौजवान छात्र हैं और अगर हमारे पुरोगामी पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ में नहीं खड़े रहेंगे तो पुरोगामी पॉलिटिक्स विल बिकम इररिलेवेंट इन दिस कंट्री। जो स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं लड़ाई, जो छत्तीसगढ़ में सोनी सोरी लिंगाराम और सारे आदिवासी भाई बहन लड़ रहे हैं, कितने अलग अलग फ्रंट से सरकार ने खोल के रखे हैं। रोहित वेमुला 18 दिसंबर को एक खत लिखता है वाइस चांसलर को, जिस खत में वो दुख भी व्यक्त करता है और अपनी एक तरह से इशारा देता है हुकूमत को, वाइस चांसलर को। और ये बेशर्म वाइस चांसलर 17 जनवरी तक वो छात्र को बुलाता होने के बाद कर दैट मैन हैज एब्सोल्युटली नो मॉरल और एनी राइट टू कंटिन्यू द पोस्ट। He refused to even talk to or communicate with his students. और आप सोचिए कि जुलाई से के बाद जब 5 students suspend होते हैं, उनकी research fellowship के पैसे कट जाते हैं, 4 जनवरी के बाद उनको library से बाहर निकाल जाता है, उनको कमरों से बाहर किया जाता है और वो लोग बाहर ठंडी में वेलीवाड़ा में सोने लगते हैं। तो सवाल आप और हमारे लिए आज ये है कि क्या ये बेशरम वाइस चांसलर वेलीवाड़ और रोहित का स्तूपा भी आजकल डिमोलिश करने वाला है कि नहीं, क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि मिनट्स में उन्होंने लिखा है कि हमको ये स्तूपा डिमोलिश करना है। नॉट ओनली इज ही क्वाइट कंटेंट नॉट कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट्स, मार्च 22 के बाद उन्होंने पुलिस को अंदर बुला लिया। जादवपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कहते हैं साफ साफ कि जो भी बात हमें छात्र से कर लिए हम करेंगे, हमें पुलिस बीच में नहीं लानी है। JNU में पूरी पुलिस लाने की कोशिश की गई मगर चूंकि वहां का टीचर्स का संगठन JNUTA मजबूत था, एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे हटने को जरूरत पड़ी और छात्रों के साथ में टीचर्स। मगर हैदराबाद में 40-50 टीचर्स साथ में हैं तो बाकी पूरे अपर कास्ट अपर क्लास टीचर्स ऐसे मिनट्स लिख रहे हैं वाइस चांसलर के साथ कि हमें वेलीवाड़ा और स्तूपा को किस तरह डिमोलिश करना चाहिए और पुलिस के कितने पेट्रोल्स यूनिवर्सिटी के अंदर होने चाहिए। ये कल की बात। आई बिलीव दैट हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो टीचर संघर्ष है, रोहित वेमुला की जो शहादत है, बाकी जो छात्रों ने अलग अलग दलित छात्रों ने कितने यूनिवर्सिटीज में आत्महत्या करके एक इशारा किया ये देश को, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बिकम द फल्क्रम ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट इन दिस कंट्री एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वी हैव टू सपोर्ट इट एज सच, बिकॉज इफ वी डू नॉट सपोर्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्ट्रगल लाइक द JNU स्ट्रगल वॉज सपोर्टेड, every effort is going to be made to break that stuff. Telangana sarkar se bhi humko sawal karna padega, ye sirf kendra sarkar ki baat nahi hai. Hyderabad shahar, Telangana raj abhi 2.5 saal pehle naya raj bana hai aur wo raj banne mein students movement ka bahut bada haath tha Telangana banne mein, aur agar wahi sarkar aur wo raj ki police आज छात्रों के खिलाफ हो जाती है तो सवाल हमको चंद्रशेखर राव से भी करना पड़ेगा, वो बच नहीं सकते ये सवाल से। वो कह रहे हैं कि हम जाकर प्रधानमंत्री को मिलेंगे। सवाल एक साफ है कि आप केस वापस ले रहे हैं कि नहीं। पूरे केसेस जो आपने स्टूडेंट्स और फैकल्टी के खिलाफ लिखे हैं, आर यू गोइंग टू टेक दोस केसेस बैक ऑर नॉट? फ्रेंड्स, एजुकेशन इज अ पर्टिकुलर टारगेट ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक, हमें यह पहले जानना पड़ेगा। जब हम चूंकि शिक्षण और किस तरह की शिक्षा हम नौजवानों को पढ़ाएंगे और पढ़ाई जाएगी उसके ऊपर राजनीति कर रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक,
ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं, ये सरकार आरएसएस की है, आरएसएस के इशारे पे चलती है। इसीलिए लातेहार में दादरी में और पूना में मोहसिन शेख को पहले मारा गया, उसके बाद मोहम्मद इखलाक को मारा गया और बस 10 दिन नहीं हुए और वहां पे मजलूम और इम्तियाज खान को लातेहार में इस तरह बेरहमी से मारा, क्योंकि ये गरीब लोग सिर्फ अपने बफलो लेके कैटल ब्रीडिंग के लिए, कैटल फार्मिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये सरकार की नीयत साफ है, नफरत की जबान बुलवा करके दे हैव लेट लूज द रूल ऑफ द मॉब एंड द साइलेंस ऑफ द होम मिनिस्टर, द साइलेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ साइलेंस ऑफ कंसेंट, बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी दैट द मॉब इज डूइंग इट्स जॉब and the mob does its job, division spreads amongst us. But education is a particular project for the Rashtriya Swayamsevak Sangh. Do cheeze ho rahi hai, ek to nijikaran, privatization, which is not only this government, it was also the previous government, we know that the privatization of education. Aur magar is sarkar mein jis tarah gaye august september se research fellowship यूजीसी स्कॉलरशिप पे हमला किया और वो 25,000 की स्कॉलरशिप को 7-8,000 रुपए की स्कॉलरशिप को वो खतरे में इसलिए डालना चाह रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सवाल करने वाले इंसान पैदा हो। अगर सवाल करने वाले इंसान पैदा होंगे तो रोहित वेमुला जैसे सरकार को शर्मिंदा करने वाले नौजवान पैदा होंगे। अगर विचारधारा आजाद होगी, आजाद सोच विचारधारा होगी, तो कन्हैया जैसे तकरीर भाषण देने वाले नौजवान बन जाएंगे। मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजाद सोच, डिस्कशन, डिबेट, डायलॉग में नहीं मानती, वो चाहती है एक काडर, एक चुप बैठने वाली, डांडी चलाने वाली, लाठी चलाने वाली, एक झुंड उनको मिले। दोस्तों, हायर एजुकेशन पे तो हमला सरासर हो रहा है, स्कॉलरशिप्स रोकी जा रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक गवर्नर बनाए जा रहे हैं राज्य में। मगर आप ये मत समझो कि प्राथमिक शिक्षण पे हमला नहीं है, सबसे ज्यादा हमला प्राथमिक शिक्षण को भी है। दीनानाथ पाठिया का नाम आपने सुना ही होगा, पता नहीं कितने लोगों ने। जब ये देश के प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक पद में खड़े हैं और वैज्ञानिक साइंटिस्ट के सामने वो कहते हैं, साइंटिस्ट के सामने खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि एंशिएंट इंडिया हैड एरोप्लेन, तब हंसने की बात भी है और रोने की भी बात है, क्योंकि दीनानाथ पात्रा की किताब 4 लाख बच्चों को गुजरात में यही बात पढ़ा है और हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक ने वही इतिहास पढ़ाया है जो दीनानाथ पात्रा ने। तो कुंती की वजह से वो कह रहे हैं कि कुंती का एक सबक है कि बिकॉज कुंती एग्जिस्ट इन द महाभारत, वी नो दैट देयर वाज स्टेम सेल रिसर्च इन द महाभारत। हम हंसे या हम रोए? गांधीनगर मेरा एक लेक्चर चल रहा था और मैंने वहां के प्राध्यापक से पूछा, प्रिंसिपल से पूछा कि अगर इस तरह का इतिहास आप पढ़ाते जाओगे तो आपकी अमेरिका में हार्वर्ड भी आपको अंदर नहीं लेने वाली, क्योंकि गुजरातियों को बहुत शौक होता है हार्वर्ड और वहां जाने का। अभी वही दीनानाथ पात्रा हरियाणा में भी किताबें बांट रहा है। तो देयर इज एन आइडियोलॉजिकल असॉल्ट एंड देयर इज एन असॉल्ट टू द ट्रांसफर ऑफ स्टेट रिसोर्सेज टू द प्राइवेट सेक्टर। अगर इस तरह का निजीकरण शिक्षण में होता गया तो एक तबका जो 70 साल के संघर्ष के बाद कैसे भी करके ऊपर आके अपना हक ले रहा है, वो तबके को भी आप शिक्षा से वापस वंचित करने का प्रयास और साजिश चलाई जा रही है। बहुत अलग अलग स्तर पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कानूनी स्तर पे लड़नी पड़ेगी टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ, सांस्कृतिक स्तर पर लड़नी पड़ेगी जैसे कि कबीर कला मंच लड़ रहा है और बाकी ऐसे ग्रुप्स लड़ रहे हैं कि संस्कृति जो है वो एक बहुरंगी हमारी संस्कृति है, एक रंग की संस्कृति बिल्कुल हम नहीं होने देंगे ना हम मानेंगे इन बात को।
डोंडा प्रशांत ने मुझे कहा हैदराबाद में कि जब उनको पुलिस मार रही थी तो दो तीन बातें उनके दिमाग कानों में गूंज रही थी। उनको कहा गया कि आप बीफ पार्टी करोगे, लो मार, आप बीफ पार्टी करोगे, आप फीस ऑफ लव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करोगे और लाठियां। और आखिर में कहा ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब इसी तरह स्टूडेंट्स के साथ हमको ऊपर से ऑर्डर है दिल्ली से। ये तीन बातें गूंज गूंज के पुलिस ने बार बार कही। तो सवाल आता है कि दिस इज द तेलंगाना पुलिस, इट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ दिल्ली, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली। बट इफ यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन लीगल टर्म्स इज अ क्लियर कमांड ऑफ चेन ऑफ कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुरू बात होती है वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद शहर से, जो बंदरू दत्तराय को खत लिखता है लास्ट जुलाई, ये एंटी नेशनल बच्चों पे एंड बेकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन पे आप कार्रवाई करो। उसके बाद सुशील कुमार बीच में आता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नुमाइंदा, और वही सुशील कुमार झूठी शिकायत करवाता है कि उनको मारपीट पड़ी। और दिक्कत उनको अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से क्यों है, क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरनगर अब बाकी है फिल्म दिखाई और याकूब मेमन की डेथ पेनल्टी का कोपोज किया। ये दो बात को लेकर उनको एंटी नेशनल कहा। जब बंदरू दत्तराय खत लिखता है स्मृति ईरानी को, अभी वो स्मृति ईरानी उनका नाम नहीं है, अभी उनका नाम मनु स्मृति का, मनु स्मृति ईरानी को जब खत लिखा जाता है तो वो मनु स्मृति ईरानी पांच खत लिखवाती है। मतलब आप, हमें तो लगता है कि अगर केंद्रीय मंत्रालय की आप लिस्ट देखेंगे तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, डिफेंस, उसके बाद एनएचआरडी, चौथा तो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय तो एजुकेशन और शिक्षण का होता है, मगर इनके पास बहुत समय है ये सब छोटी छोटी बात देखने के लिए। तो पांच खत लिखवाती है ये, डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल तक का खत जाता है हैदराबाद कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स को आप संभालिए। There is no way in a chain of command responsibility for the institutional murder of Rohit Memula that this chain of command responsibility can be escaped. Appa Rao is one link in the chain, and I believe 22 March ko wapas aane ka jo saazish thi, wo directly ek provocation tha Kendriya Sarkar ke se students ko. It was a direct provocation from the central government with a message to the students and a message to you and me. कि हमें कोई परवाह नहीं, आप कितना भी प्रोटेस्ट करो, आप लाख प्रोटेस्ट करो, हमारा तो हमारी सरकार है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब अप्पा राव वापस आता है, अभी भी मुझे याद है कि एक छोटा सा वीडियो हमने देखा तथागत सेनगुप्ता जस्ट बिफोर ही वाज अरेस्टेड, और बहुत स्पष्ट तरीके से वो कहते हैं, बहुत ही स्पष्ट तरीके से वो कहते हैं कि 24 मार्च को एक एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जब से पेरिसामी आए थे, पेरिसामी सर आए थे एक्टिंग वाइस चांसलर, पूरा वातावरण नॉर्मल हो गया, बच्चे बातचीत कर रहे थे, क्लासेस जा रहे थे, सब कुछ अपने धीरे धीरे ठीक ठाक हो रहा था। और 24 मार्च के एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के लिए एजेंडा में ये था कि 8,000 की स्कॉलरशिप को आपको 25,000 UGC नॉर्म के तहत आपको सब बच्चों को देना पड़ेगा रिसर्च स्कॉलरशिप। That was the agenda for the 24th March meeting. Very clearly, Appa Rao was brought simply as a provocation to the students and to send a message that despite the fact that there's a pending inquiry, against him by the same MHRD, we will allow the man to come back as an extreme provocation to the students. Aaj Hyderabad प्रशांत वो खुद बताएंगे, वातावरण यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा खतरनाक है, वहां के स्टूडेंट्स को हमारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है, राजनीतिक सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और चाहे वो बात हो या इलाहाबाद की बात हो जहां पे रीचा सिंह भी लड़ रही है अकेली, और उनके साथी में सब, मुझे बहुत फक्र होता है ये कहते हुए कि महिला औरतें हैं उनके साथ, जिसमें माइनॉरिटी औरतें भी रीचा सिंह के साथ रह रही है, संघर्ष का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये लोग अपना अपना मैसेज दे रहे हैं पॉलिटिकल क्लास को कि
कि ये हमारा देश है, दिस इज आवर फ्यूचर, दिस इज आवर, दीज आर आवर फंडामेंटल्स एंड वी विल फाइट फॉर इट. मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग जो उम्र के एक तरफ हो गए हैं उनको शर्मिंदा होना चाहिए. यू हैव एवरीथिंग गोइंग फॉर यू, योर लाइफ इज इन द फ्यूचर एंड येट यू आर स्टेकिंग एवरीथिंग फॉर अ स्ट्रगल अगेंस्ट दिस प्रोटो फैसिस्ट गवर्नमेंट. वी मे नॉट हैव फैसिज्म ऑलरेडी इन पावर बट वी सर्टनली हैव फैसिस्ट इन पोजिशंस ऑफ पावर. वी हैव फैसिस्ट इन पोजिशंस ऑफ पावर हु आर गोइंग टू मेक एवरी यूज ऑफ स्टेट पावर to further their anti-constitutional ideology and their proto-fascist ideology. दोस्तों लड़े तो कहाँ लड़े? एक तरफ किसान की बात अगर आप सोचें, वहाँ पे भी distress है. कामगारों की बात देखें, वहाँ पे भी distress है. हमारी universities के अंदर आपसे बेहतर कोई जानता नहीं किस तरह का संघर्ष की अभी जरूरत पड़ने वाली है. मतलब वही जानबूझ के कुछ चंद मिनटों के लिए छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बताऊं. वहां पे आज कम से कम 8 पत्रकार दोस्त हमारे जेल के अंदर बंद है और ये आजाद पत्रकार है, चाहे वो संतोष यादव हो, चाहे वो प्रभात सिंह हो, चाहे वो दिनेश हो, जायसवाल हो. मगर हमारे लोगों को दिल्ली के पत्रकार के ऊपर जब हमला होता है तो एडिटर सब नीचे आके सड़कों पे. मगर एक एडिटर्स टीम गिल्ड की टीम को भेजने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को, और अभी वो एडिटर्स गिल्ड का रिपोर्ट आ गया है, ठीक ठाक है, मगर वो रिपोर्ट में भी कई ऐसे बातें हैं जिसके ऊपर हमें कितनी करनी पड़ेगी. वो रिपोर्ट कहता है कि छत्तीसगढ़ में ऑल जर्नलिस्ट आर अंडर सर्वेलेंस. अरे अब बस कह दिया और आपने छोड़ दिया? आप वरिष्ठ संपादक है, अगर आप और हमारे फोन टैप हो रहे हैं तो एज अ जर्नलिस्ट शुड देयर नॉट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हु आर सर्वेइंग ऑल द जर्नलिस्ट. और मुझे यकीन है कि ये मीटिंग में जो भी लोग आए हैं, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी या जेएनयू के संघर्ष, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संघर्ष, या बीएचयू के संघर्ष में जो विरोध में खड़े हैं, उन सब के टेलीफोन आज टैप हो रहे हैं, ये मैं दावे से. We are not dealing with a normal government. और इसीलिए मैं इतनी बात जरूर कहूंगी कि we have reached a crisis in our political class. It is true. We are disillusioned with the word, the way the word secularism is used, with the way the word progressivism is used. But I will say that regardless how disillusioned we are, we have to make a distinction between those parties we are otherwise disillusioned with and the Rashtriya. We cannot put them in the same boat. That is a historical error. ये जो है एक विकृत ताकत है. ये ताकत वो ताकत है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में इतना बिखो नहीं पाया है. ये वो ताकत है जिन्होंने पूरी तरह न सिर्फ ब्रिटिशों के साथ कोलैबोरेट किया मगर मुस्लिम लीग के साथ भी कोलैबोरेट किया. अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देख लीजिए मुस्लिम लीग के साथ बंगाल की सरकार में. तो ये लोग जो हैं, they have not really staked much for the battle for what kind of country should be built after the colonial powers move out. हमें ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो हमारा संविधान जो हमारा संविधान है वो कभी नहीं होता. क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो संविधान दिया, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर को समानता और असमानता की निजी अनुभव था, स्ट्रक्चरल भी, पर्सनल भी, पॉलिटिकल भी. इसीलिए उन्होंने उस तरह का संविधान वो हमको दे सके. अगर बाकी लोग देते तो इतना फंडामेंटल जो यहाँ पे इगैलिटेरियनिज्म और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जो बात रखी गई है वो नहीं रखी जाती. मैं आपको पूछती हूँ कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब के ऊपर पुस्तिका निकालती है ये कहते हुए कि संत बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी हमारे एक संत है, उन्होंने अभी निकाली और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में वो पुस्तिका वो यूज करने वाले. तो सवाल हमको उनसे ये करना है कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर वो बाबा साहब वो भी थे जिन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, जिन्होंने रिटल्स इन हिंदुइज्म भी लिखी, जिन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज भी लिखा,
जिन्होंने शूद्रस एंड काउंटर रेवोल्यूशन भी लिखा, जिन्होंने विमेन एंड काउंटर रेवोल्यूशन भी लिखा और जिन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटीज भी लिखा। साथ में अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पचेंगे नहीं हमारे बाबा साहब। दिल्ली बुक फेयर में मैं गई थी, मेरे बहुत दोस्त हैं मेरे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी के साथ हम गए थे, साथ में हमारी अनिता भारती दोस्त हैं दलित लेखिका, उनकी पुस्तक की रिलीज थी दिल्ली बुक फेयर में, तो हम लोग साथ में बैठे थे पंडल में। और उसके बाद हमने बोला हर बार मैं जाती हूँ तो मैं ज़रूर कंप्लीट वर्क्स ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर को देखने जाती हूँ, मेरे पास दोस्त हैं मगर मैं देखने जाती हूँ कि कौन से स्टॉल पर कहाँ बिक रहा है। तो आपको पता है यहाँ के ये कमरे में तो सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र हमारी सरकार जो है बहुत सस्ते में वो बेच लेती है, वो ब्लू कलर की पुट्ठे में, अच्छा प्रोडक्शन नहीं है। मगर दिल्ली का जो अम्बेडकर फाउंडेशन है वो केंद्रीय सरकार की आउटफिट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट दे ब्रिंग आउट द सेम वॉल्यूम्स इन अ मच बेटर एडिशन। तो हम गए स्टॉल पे, हमें पूछा, वहाँ पे बहुत बुजुर्ग बहुत ही लर्नेड आदमी थे जिन्होंने काफ़ी एडिशन छापे बाबा साहब के, तो मैंने पूछा उनको कि ये तो सेट कंप्लीट नहीं है, ये तो इनकम्प्लीट सेट है, क्या बात है भाई साहब। बोले क्या बताएं, हम 1.5 साल से रिमाइंड कर रहे हैं ये सरकार को कि हमें परमिशन दो ये 11 वॉल्यूम के लिए, मगर ये 11 वॉल्यूम के लिए परमिशन हमें नहीं मिलता। तो फिर हमने लिखना शुरू किया ये कौन से 11 वॉल्यूम है भाई जो ये सरकार नहीं बेचना चाहती है, और जो भी नाम हमने अभी लिए थे वही नाम उसमें, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि बाकी लोग, क्योंकि आप कुछ भी करो कंप्लीट वर्क्स ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर सेल्स पॉसिबल लाइक नो अदर एडिशन इन दिस कंट्री, फ्रॉम विलेज लाइब्रेरीज टू प्राइवेट कलेक्शंस पीपल वांट दैट दो सेट ऑफ बुक्स, बट दिस गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू मेक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अवेलेबल, दे डोंट वांट रिलीज इन हिंदुइज्म में। तो हमने ये स्टोरी छापी, हमने केंद्र सरकार को खत भी लिखा कि आप कारण क्या दे रहे हैं इसके बारे में, नो कमेंट, वी आर लुकिंग इन टू इट, इस तरह के जवाब हमें मिले। तो सवाल दोस्तों हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जिस तरह अप्रोप्रिएशन करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कर रहा है, जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने कोई हीरोज है नहीं। आप समझ लीजिए महिला तो आपको कभी नहीं मिलेगी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मुश्किल है, महिलाओं को पट्टी नहीं ज्यादा, वो भी ज्यादा अगर थोड़ा झगड़ालू में महिला है जैसे हम है तो बिल्कुल नहीं पटेगी। तो सावित्रीबाई फुले का भी नाम अप्रोप्रिएशन में भी नहीं आता है, मतलब अप्रोप्रिएशन लिस्ट में भी नहीं आता है। और मैं बार बार पुरोगामी ताकतों को पूछती रहती हूँ कि मेरे महाराष्ट्र के भीड़ेवाड़ा पुणे में सबसे पहली ऑल गर्ल्स स्कूल स्थापित हुई थी, और वो इसी मंशे से स्थापित हुई थी, इसी विजन से स्थापित हुई थी, इसी कन्विक्शन से स्थापित हुई थी कि अलग अलग जात धर्म की बच्चियाँ एक साथ एक क्लासरूम में। इतनी बड़ी सोच, शायद ये दुनिया की पहली स्कूल ऐसे होंगे शायद ऑल गर्ल्स, मगर क्या हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्या हम उस तरह उस मायने पे ये बात मानते हैं। और दूसरी बात, जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले पे कोड़े फेंके गए, गंदगी फेंकी गई, उनको समाज से बहिष्कार किया गया कि आप शिक्षण सबको कैसे देंगे, आपको कैसे हिम्मत आएगी, तब उनको पूना के किस आदमी अपने उनको उनका साथ दिया, पूना शहर के उस्मान शेख ने। मगर हमको ये इतिहास हमको नहीं पढ़ाना है, क्योंकि अगर हम ये इतिहास पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के बारे में भी छवि अच्छी हो जाएगी। उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले के स्कूल में पहली टीचर थी। ये हमारा इतिहास, ये संघर्ष पढ़ने वाले जानने वाले सब जानते हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले कोई भी पुरोगामी सोच वाला शिवाजी को भी अच्छी तरह जानते हैं, और ऐसे डांगे का भी भाषण जानते हैं जिन्होंने कहा था
वर्कर्स के मिल के बाहर कहा था ऐसे डांगेरे 1951 में कि शिवाजी त्यांचे शिवाजी आमचे, आप शिवाजी को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। शिवाजी क्या था क्यों था हम जानते हैं, मगर हमने कहीं ना कहीं ये सब हिस्टोरिकल सिंबल्स को भी अप्रोप्रिएट करने दे दिया है। एंड वी नीड नाउ टू पॉपुलराइज अ रियल हिस्ट्री ऑफ नॉट जस्ट द फ्रीडम स्ट्रगल बट ऑफ पीपल स्ट्रगल्स। अमर शेख जो पुवाड़ा गाते हैं आप भी उनका नाम जानते हैं, हम भी जानते हैं, मगर आम इंसान नहीं जानते हैं। उनको लगता है कि शिवाजी मतलब हिंदू राजा, ऐसी बात ही नहीं। और स्मृति ईरानी मनुस्मृति ईरानी जब पार्लियामेंट में भाषण देती है रोहित विमला के शहादत के बाद, तभी भी उन्होंने थोड़ा सा उनको टाइम मेरे लिए मिल गया, उन्होंने बोला तीसरा सेटलवर ने जो शिवाजी पे पुस्तक लिखी थी उसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि शिवाजी और अफजल खान की जो लड़ाई है वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। तो मैंने क्या गलत किया भाई, मुझे फक्र है कि मैंने ऐसी किताब लिखी। मगर आपको हर वक्त हर मौके पे झूठ बोल बोल के आपकी राजनीति चाहिए। दोस्तों 22 महीने में जो ये चीज सरकार ने की है, कभी कभी आई शडर टू थिंक दैट व्हाट विल दे डू इन द नेक्स्ट 36 मंथ्स। मतलब काफी खतरनाक चीज वो ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी भी 36 महीने कम से कम बचे हैं सरकार, तो और क्या कर लेंगे और इसके लिए क्या हम तैयार है कि नहीं संघर्ष करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल। आई थिंक आई बिलीव इट्स अ टाइम टू बिल्ड अलायंसेस अक्रॉस इश्यूज, वेदर इट इज विमेन्स राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, दलित राइट्स, गे राइट्स, मणिपुर, कश्मीर, आई थिंक वी नीड टू बिल्ड अलायंसेस। और हमें कहीं ना कहीं अपने कॉमन मिनिमम डिनोमिनेटर का सोच के राजनीतिक लेवल पे जो होगा होगा, मगर सामाजिक लेवल पे हमें अलायंस बिल्ड करके हमें संघर्ष करना है। अगर हम ये ऐतिहासिक मोड़ से नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है हम बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। वी माइट थिंक वी हैव द प्योरेस्ट वे ऑफ आइडियोलॉजिकल थिंकिंग, मेनी ऑफ अस बिलीव दैट, बट आई थिंक लेट्स नॉट जज एवरीबडी बाय देयर प्योरिटी जस्ट नाउ, लेट्स जस्ट सी हु इज ऑन द ब्रॉडली द राइट साइड। Right, broadly the right side might be the left side, but let's check who's broadly on the right side. And let us have the sagacity, let us इतना हम थोड़ी गंभीरता से सोचे कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन, और उसी से हम सामाजिक स्तर पे संघर्ष चलाएं, राजनीतिक स्तर पे संघर्ष चलाएं। और चूंकि बाकी सब चीज के साथ साथ मैं पत्रकार भी हूँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं पत्रकार दोस्तों से मैं गुजारिश करती हूँ कि कुछ न कुछ अपने पेशे से शर्मिंदगी दिखाइए। मीडिया मस्ट रिगेन इट्स मॉरल अथॉरिटी, द मीडिया हैज टू रिगेन इट्स फंक्शंस, वेदर इट कैन हैपन इन द कॉर्पोरेटाइज स्ट्रक्चर वी हैव और नॉट आई डू नॉट नो, देन मे बी वी हैव टू सीक अल्टरनेटिव्स, बट इट इज अ मैटर ऑफ कंप्लीट शेम द वे द मीडिया हैज टू बी बिकम just the official version of either the crime branch or the IB or the political class. Surely journalism is about something more than that. There has to be a space for the different ideas. Journalism has to be a conversation between the people, different people who are making different choices, different struggles that are making their voices heard, and the media must reflect some of these voices. And if the media is not doing that, इनको आप छोड़िए ना, ये हम जब सोचते हैं ना कि इनको छोड़ देना है, we have to shame them into believing that they have to be accountable to the democratic public. We cannot let the television channels spew venom in the way they have spewed. Not all of them, but many of them. बार बार हम जब जाते हैं तो खासकर हमें दो तीन सवाल किए जाते हैं। मैंगलोर में बैठी है, पता नहीं आप लोग मैंगलोर जैसी जगह जानते नहीं, बट वेरी कास्ट इज वेरी कम्युनल। रोहित की शहादत के बाद 13 दिन के बाद मैं वहां थी और एक कॉलेज में लेक्चर, और एक सवाल मुझे पूछा गया, एंड आई थिंक इट वाज अ डिलिबरेट क्वेश्चन, और मुझे जानबूझ के पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बीफ इशू। तो आई सेड आई थिंक अबाउट बीफ इशू द सेम एज आई थिंक अबाउट द पोर्क इशू। उसके बाद आगे सवाल आया, वो चाह रहे थे कि हम कहें कि आई थिंक एवरीबडी शुड ईट बीफ, दैट विल बी द हेडलाइन द नेक्स्ट डे।
is that everyone thinks everybody should be safe. So the way the media, the way the entire public consciousness is being shaped, towards an agenda. तो मई 2014 के बाद जब मैं उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में घूमती थी तो नौजवान मुसलमान युवक मुझे बार बार ओवैसी के छोटे छोटे क्लिप्स दिखाना छोटे छोटे ओवैसी के दिखाना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवैसी पॉलिटिक्स आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल बिहार के बाद वो अभी कम हो गया वो हवा कम हो गई है तब दिखाते तो मैंने उनको यही पूछा कि ओवैसी को सबसे ज्यादा चैनल कौन सा दिखा Which channel gives maximum exposure to OBC? खुद उनके पास से जवाब आता था वो सांप पिच्छू का चैनल है रजत शर्मा का इंडिया टीवी और अर्णव ये दो चैनल्स सबसे ज्यादा OBC को स्पेस देते हैं तो फिर मैंने उनको आगे एक बात पूछी कि 10 साल पहले 15 साल पहले हमारे शहर में ठाकरे थे हम भी ठाकरे से मुकाबला करते थे तो ठाकरे जब गंदे गंदे बयान देते थे तो उनके खिलाफ टीवी पे या अखबारों में बोलने वाले कौन आते थे या किसको लाया जाता था उस वक्त क्योंकि मीडिया कुछ ना कुछ शर्म देने वाली मीडिया थी कुछ ना कुछ डेमोक्रेटिक सोच की मीडिया थी दे वुड पॉजिटिव एज अ इश्यू बिटवीन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड अ सेक्टेरियन बुलिंग पॉलिटिक्स तो उसमें अलग अलग लोग आ जाते थे जिसको निलूफा भागवत भी आ जाते थी एडमिरल रामदास भी आ सकते थे कोई भी आ सकते पुष्पा भावे जी आ सकते थे ठाकरे के सामने आज अगर आदित्यनाथ बोलता है और जहर उगलता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ओवैसी को बुलाया जाएगा क्योंकि दे वॉन्ट टू पॉजिटिव इट एज एन एक्सट्रीम हिंदू एज एन एक्सट्रीम मुस्लिम They do not want to positive as a constitutional issue, as a democratic issue, and as hate speech. We have to understand the conspiracy of the media and the conspiracy of this vicious television that is playing this game. I remember when Muzaffarnagar happened, Kadar Rana ki cassette baar baar play ki gayi thi. Magar Sangeet Som ki cassette Arnab Goswami ke haath mein nahi aayi. Is tarah ki bahut gandi politics आज का टेलीविजन खेल रहा है आप हमसे बहुत ज्यादा तेज है इंटेलिजेंट है ये पॉलिटिक्स हम थोड़ा सा समझ लें और उनके साथ हम मुकाबला करें इन अ डेमोक्रेसी व्हेन वी कॉल द मीडिया द फोर्थ स्टेज वी हैव एवरी राइट टू टेयर देम अपार्ट क्रिटिक देम एंड डिस्कस देम इफ वी फील दैट दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर जॉब सो आई थिंक वी नीड टू जस्ट लाइक द फेमिनिस्ट मूवमेंट वुड ऑलवेज गो टू द मीडिया Feminist media movement would always go to the media if they felt that the coverage was not proper. By not believing that they are the answer to everything, by seeking out our own alternatives, हमें मीडिया से सवाल करने ही चाहिए। मुझे अभी भी याद है, 1987 में आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर शायद जन्म लिए नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है इतने नौजवान यहाँ पे हाजिर हैं। एक सर्दी का इंसिडेंट सती का एक बहुत भयानक इंसिडेंट देवराला में हुआ राजस्थान उस वक्त काफी महिला के ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई और उन्होंने मीडिया टीम भी भेजी मीडिया मॉनिटरिंग भी की और तगड़ा बहस क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 22 दिन के लिए एडिटोरियल नहीं लिखा था देवराला पे और जब हमने उस वक्त दिलीप पटनौकर से सवाल किया था Why did you not write an editorial for 22 days when a woman was burnt alive on the pyres of her husband? They said we were waiting for the reaction from Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi spoke after 20 days, so we wrote after 20 days. That was the answer. So this manner of dealing with an issue, which is not dealing with the issue but dealing it with a power structure, is not entirely new. But it has got more vicious now with a very corporatized media. I've already got my chit, so I don't want to overstay my welcome. Thank you very, very much for having me here. Thank you.